वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पॉपुलरली नोन एज फेमा 1999। ठीक है, इसके फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फेमा हर पूरे स्टेट्स में ऑफ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल, तो फेमा एप्लीकेबल है टू ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इस एक्ट में 49 सेक्शंस हैं और ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट हैज 49 सेक्शंस। ओके, यहाँ पे जो एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया का मतलब है कि यहाँ पे वो सारे ऑफिसेज, वो सारे बिजनेसेस, ब्रांचेस, वो सब इंक्लूड होगा जो कि किसी इंडियन रेजिडेंट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं या ओन कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन या जो पर्सन विद रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल वो इस फेमा एक्ट में इंक्लूड होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर जो फेमा का मेन रोल है वो क्या होता है, ये चेंज करता है लॉ को, कंसोलिडेट करता है इस लॉ को, किस चीज के लॉ को, जो रिलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज लॉज हैं उन सब के लिए लॉज रूल्स जो भी हैं वो फॉरेन एक्सचेंज के, उन सब को कंसोलिडेट करता है एंड चेंज करता है। ठीक है, कोई भी चेंज लाना होगा तो वो फेमा से ही आएगा। ठीक है, अब इसकी ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी फॉरेन ट्रेड है या जो भी एक्सटर्नल ट्रेड है और जो भी पेमेंट्स हैं उसकी, उनको फैसिलिटेट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, एंड पेमेंट्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को, तो अब वो प्रमोट करेगा उसको, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो हम कह सकते हैं दैट इट प्रमोट्स इट्स डेवलपमेंट। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका जो भी मेंटेनेंस होता है इंडिया में, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आता है, वो देखता है उसका सारा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ओके, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी ऑथराइज पर्सन होता है, जिसको भी सारा काम करना होता है, उसको कहीं ना कहीं आरबीआई के अकॉर्डिंग सारा काम करना होता है। जो भी फेमा प्रोविजंस होते हैं, मतलब इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें कि क्या क्या ड्यूटीज होती हैं एक ऑथराइज्ड पर्सन की, इसको ज़्यादा डीप में नहीं, सिर्फ एक लाइनर्स में पढ़ते हैं। तो ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, सबसे पहले तो जो भी डायरेक्शंस आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है, जो भी गाइडलाइंस वो प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको फॉलो करें। ठीक है, एक ऑथराइज पर्सन को वो फॉलो करनी ही होगी। ओके, उसके बाद जो भी अनऑथराइज एक्ट्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन जो गलत तरीके से एंटर हुई हो, उसमें कोई ना एंगेज हो वो अच्छा है एक ऑथराइज पर्सन के लिए। ठीक है, तो नॉट टू बी एंगेज्ड इन एनी अनऑथराइज एक्ट या फिर ट्रांजैक्शन। थर्ड ड्यूटी हम कह सकते हैं कि जो भी फेमा के प्रोविजन हैं उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग्स में ही सारे एक्ट करें। उसके बाद मेंटेन करें सारी बुक्स को, अकाउंट्स को, जो भी ट्रांजैक्शन में वो एंटर हो रहा है उसका पूरा हिसाब रखा जाए। यहाँ पर जो ड्यूटी लिखा है ऑथराइज पर्सन की आरबीआई डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, समझ आएगा आपको कि क्यों आरबीआई के रेगुलेशंस आ गए बीच में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ड्यूटीज हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि फेमा से पहले जो क्या जो एक्ट थे वो क्या था। ठीक है, सबसे पहले जो पहले था फेमा के वो था फेरा 1973। ठीक है, फेरा की फुल फॉर्म है
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है. फेरा पहले था फेमा से, और इस वाले एक्ट में बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारी प्रोहिबिटेड चीजें थी. सिर्फ वही लोग या सिर्फ वही पोर्शन एंटर हो सकते थे फॉरेन एक्सचेंज में जिनको परमिट, स्पेसिफिकली परमिट किया जाता था, ठीक है. फेरा में यहाँ पर प्रिज्यूम था, मतलब कि यहाँ पर फेरा में बोला जाता था कि अगर आप किसी अनऑथराइज एक्ट में पकड़े जाते हो, ठीक है, और अगर आपको गिल्टी माना जा रहा है, तो यहाँ पर इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, मतलब अभी आप इनोसेंट प्रूफ नहीं हुए हो बट आपको पहले ही गिल्टी माना गया. यूजुअली लॉ में क्या बोला जाता है कि जब तक कोई गिल्टी प्रूफ ना हो जाए हम उसे क्या मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं. लेकिन फेरा एक्ट में क्या था कि पहले गिल्टी माना जाता है, ठीक है, कि एक पर्सन गिल्टी है जो भी उसने एक्ट किया है, ठीक है, अनलेस ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इनोसेंट, ठीक है. फेमा जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये तो मैंने थोड़ा सा फेरा के बारे में आपको बताया. जो हमारा फेमा है इसमें ये आरबीआई के रेगुलेशंस पे चलता है, यानी कि फेमा एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एक ऐसी मशीन है जो कि आरबीआई को अनेबल करती है, आरबीआई को बोलती है कि आप अपने रेगुलेशंस को पास करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स पास करेगी फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पे वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में माना जाएगा, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई है दैट पास रेगुलेशंस रिलेटिंग टू, किस चीज के लिए रूल पास करती है, रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग में. तो इसीलिए हमने बोला था कि ऑथराइज पर्सन को आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, ठीक है. तो ये शॉर्ट में मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट समझा दिया, पॉइंट्स में समझा दिया. एग्जाम में प्लीज इसको इलैबोरेट करके लिखिए, हर एक एक हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है. तो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप आपको फेमा समझ आया हो. प्लीज लाइक बटन को हिट कीजिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.